लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सपा के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि पुलिस उन पर दबाव बना रही है, उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि शिकायत पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने मुख्य चुनाव अधिकारी से की है और कहा है कि लगातार मैनपुरी लोकसभा जो उपचुनाव होने हैं उस पर लगातार उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं इस उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सपा नेताओं ने चुनाव आयोग जाकर यह शिकायत की है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर पुलिस की शिकायत की गई है मुख्य चुनाव अधिकारी से। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने यह शिकायत की है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बना रही है, जिससे उनके कार्यकर्ता खुलकर काम नहीं कर पा रही हैं, चुनाव की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं अविनाश। अविनाश, जिस तरह से सपा का गढ़ कही जाने वाली मैनपुरी, जिसमें ज्यादातर संख्या यादवों की है, एक तरीके से गढ़ है मैनपुरी, फिर भी उसके बावजूद भी यह कहा जा रहा है कि उनके कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया जा रहा है, क्या किसी के साक्ष्य उन्होंने रखे हैं चुनाव आयोग के सामने या सिर्फ ये हवाई बातें हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों के उसमें नाम शामिल है, उनको हटाए जाने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के घर कहे जाने वाली सीट पर जिस तरीके से अभी उपचुनाव होने हैं, उसमें जो है कुछ नाम ऐसे हैं जिनको समाजवादी पार्टी के जो सचिव हैं राजेंद्र चौधरी, उन्होंने शिकायत की है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी हैं, 6 पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनको हटाने की बात कही गई है, 13 सब इंस्पेक्टर हैं उसमें, और 100 से अधिक कांस्टेबल हैं, हेड कांस्टेबल हैं, जिनकी शिकायत राजेंद्र चौधरी ने आज चुनाव आयोग से की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके सबसे महत्वपूर्ण सीट है मैनपुरी, जो कि समाजवादी पार्टी का घर कहा जाता है। अब उसको लेकर आज राजेंद्र चौधरी ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए इन तमाम पुलिसकर्मियों को हटाए जाने की मांग की है। उनका साफ तौर पर आरोप है कि उपचुनाव मैनपुरी में जिस तरीके से होने उसको प्रभावित करेंगे, इनको जो पुलिसकर्मी है इनको हटाए जाने की मांग आज उन्होंने चुनाव आयोग से की है। ठीक है अविनाश, जिस तरह से पूरा मैनपुरी क्षेत्र देखें तो मैनपुरी हुआ, इटावा हुआ, फिरोजाबाद हुआ, करहल हुआ, या फिर सैपई उसके जस्ट नजदीक लगा हुआ है, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन में जो ये अधिकारी जिनके नाम लिए गए हैं, क्या उन्हें हाल ही में ट्रांसफर करके वहां सेट किया गया या पहले से वहां पर मौजूद थे? देखिए, बिल्कुल आपको बताएं, करहल की बात की जाए या फिर मैनपुरी सीट की अगर बात की जाए, तो इसमें कुछ समय पहले कुछ वैसे जो यादवी बाहुली क्षेत्र है उसमें कुछ जो इंस्पेक्टर हैं और चौकी इंचार्ज हैं, उनकी तैनाती पिछले 4 महीनों पहले और कुछ लोगों को साल भर पहले ही वहां पर उनकी तैनाती मिली थी, जिसके चलते अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने इन तमाम पुलिस कर्मियों को हटाने की बात कही है, चाहे करहल की बात करें या फिर मैनपुरी की बात करें, इन तमाम जगहों पर कुछ समय पहले ही यहाँ पर कुछ सब इंस्पेक्टर और सचिव को वहां पर भर्ती किया, मतलब तैनात किया गया था, जिसमें से कुछ पुलिसकर्मी है उन पर गंभीर आरोप है कि ये चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, जिसको लेकर आज उन्होंने चुनाव आयोग से उनकी शिकायत की है और उनको हटाए जाने की मांग की है। ठीक है, चुनाव आयोग के अधिकारी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट या किसी प्रकार का आश्वासन उन्हें दिया गया? देखिए, अभी चुनाव आयोग की तरफ से किसी तरीके कोई मतलब अपडेट नहीं आई है, ना ही उस तरफ से कोई आश्वासन, हालांकि उनको समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी उनको दिया गया है कि आप उन्होंने केवल आज ज्ञापन दिया है और अभी देखना होगा कि चुनाव से पहले जो पुलिसकर्मी को जिन पर आरोप लगे हैं क्या उनको चुनाव आयोग द्वारा शिकायत के बाद उनको हटाया जाता है या फिर वो ऐसे ही बने रहते हैं। ठीक है, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अविनाश। थे हमारे सहयोगी अविनाश, जिन्होंने ये जानकारी दी है कि वहां पर 5 से 6 नाम राष्ट्रीय सचिव के द्वारा दिए गए हैं और सपा के नेताओं का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को दबाया जा रहा है इन पुलिसकर्मियों के द्वारा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग कितना इस पूरे मामले को जांच करने के बाद सही पाता है, तो हो सकता है चुनाव से पहले इन पुलिसकर्मियों को वहां से हटा दिया जाए।